मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में गंभीर हालत में पहुंचे मरीज का इलाज करने डॉक्टर्स समय पर नहीं आए। परिजन चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मगर किसी भी डॉक्टर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। दरअसल मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक 35 वर्षीय शख्स राजीव महतो के ब्रेन में गंभीर चोटें आई, जहां आनन-फानन में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में राजीव को लाया गया। अस्पताल में इलाज के नाम पर इमरजेंसी वार्ड में एक सेलाइन की बोतल लगा दी गई, जबकि उसकी हालत गंभीर थी। राजीव की बहन ने जब अपने भाई की ये हालत देखी तो वो बदहवास हो गई और डॉक्टरों को बुलाने के लिए चीखने लगी। डॉक्टरों के समय पर ना आने पर किसी ने मरीज को बाहर ले जाने की सलाह दी। भाई को ले जाने के लिए जब राजीव की बहन ने ट्रॉली की मांग की तो ट्रॉली लाने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ ने उससे 200 रुपये मांगे। स्टाफ ने कहा पहले 200 रुपये दो तभी ट्रॉली मिलेगी, जिसको लेकर महिला और उग्र हो गई और डॉक्टरों को गाली देने लगी। क्या ट्रॉली के लिए काम आया गया है? 200 रुपया दीजिए तो ट्रॉली देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कौन बोला? यहाँ का लेडीज बोलती है, जो गेट पर बैठती है ट्रॉली में रहे, तब बोलती है कि डॉक्टर खा रहा। इमरजेंसी वार्ड में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। युवक की हालत बेहद गंभीर थी, बावजूद इसके कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा था, जिसको लेकर परिजन आक्रोशित हुए और हंगामा करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।